बिहार के डुमराव राज के अंतिम महाराजा और पहले आम चुनाव में सहाबत से चुने गए सांसद कमल बहादुर सिंह का रविवार की सुबह निधन हो गया। इनकी उम्र 93 साल की हो गई थी। वह पहली लोकसभा के अंतिम जीवित सांसद थे। महाराजा के दो पुत्र युवराज चंद्र विजय सिंह और मान विजय सिंह हैं। महाराज कमल बहादुर सिंह के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है। महाराज के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से घनिष्ठ संबंध थे और उन्हीं के कहने पर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। पुराने शाहबाद जिला के अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उन्होंने शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए जमीन और संसाधन दान किया। महाराज कमल सिंह आजादी के बाद पहले आम चुनाव में शाहबाद के सांसद चुने गए। 1957 में दूसरे आम चुनाव में बक्सर संसदीय क्षेत्र में अस्तित्व में आया और महाराज को यहाँ की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर लोकसभा भेजा। महाराज की अंतिम विदाई बक्सर के चरितवान घाट पर किया गया। महाराज का अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों का तांता लग गया था। बक्सर जिला के जिला प्रशासन भी महाराज के अंतिम विदाई में शामिल थे। चारों तरफ से बड़े और भारी वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। लोगों ने भारत माता की जय और कमल बहादुर सिंह अमर रहे के नारे लगाए। महाराज के अंतिम विदाई में कई दिग्गज नेता भी शामिल रहे। अखंड भारत न्यूज के लिए सुधीर कुमार पांडे की रिपोर्ट, बक्सर।